हे गाइस, वेलकम बैक टू 06 स्टडी पॉइंट। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि किस तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। ये जो टॉपिक है ये आज के मैं दिन में लाइव गया था, तो मैंने टॉपिक पूछा था तो ये टॉपिक सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड लगा मुझे। तो इसके बारे में हमने सबसे पहले वीडियो इसी के बारे में बनाई है, उसके बारे में हम आपकी लेक्चर्स के वीडियोज़ भी बनाएंगे DRDO MTS पे और बाकी अदर एग्जाम्स और टॉपिक्स पर भी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आपका है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर DRDO MTS या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम। अदर एग्ज़ाम की अगर आप कर रहे हो तो आप उसको इमेजिन कर लो। यहाँ पे हम यहाँ पर DRDO MTS की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं, आप में से बहुत सारे फर्स्ट टाइम कर रहे होगे, सब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जो एग्ज़ाम है फर्स्ट टाइम है, भले ही आपका फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है या कोई भी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न, पेपर एनालिसिस, स्टैंडर्ड बुक्स, चूज़ प्लेटफॉर्म की कहाँ से पढ़ना है, हाउ टू स्टडी लर्न एंड रिमेंबर, हाउ टू प्रैक्टिस, हाउ मैनी आवर्स यू शुड स्टडी एंड बेस्ट बुक फॉर DRDO MTS, कैन अ सिंगल बुक हेल्प यू क्रैक एग्जाम और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। ठीक है, तो ये सारे सभी टॉपिक्स हैं, एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहली चीज़, जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी होती है वो होता है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न आपका DRDO MTS का क्या है, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 100 मार्क्स के लिए होंगे। आपके इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और इसमें आपके तीन सब्जेक्ट्स आएंगे। तीन सब्जेक्ट्स में आपकी एप्टीट्यूड होगी, ठीक है, सेकेंड आपका रीजनिंग होगी और थर्ड आपकी होगी क्या, जनरल अवेयरनेस। आपका ये पेपर जो होगा ये आपका दो टायर में कंडक्ट कराया जाएगा, टायर वन एंड टायर टू। टायर टू में जो स्टूडेंट, टायर वन जिनका सेलेक्ट होगा, मतलब सेलेक्शन होगा टायर वन में, वो स्टूडेंट्स टायर टू के लिए एलिजिबल होंगे। टायर वन में ऑलमोस्ट 18,170 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा टायर टू के लिए। इसमें आपका 1:10 का फॉर्मेट यूज़ किया जाएगा कि मतलब कि सिर्फ एक सीट के लिए 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। तो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आपकी 1817 सीट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपकी जो एप्टीट्यूड है, तो एप्टीट्यूड यहाँ पर आएगी 35 मार्क्स की और 35 इसमें आपके क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग भी आपकी आएगी 35 मार्क्स की, 35 आपके क्वेश्चंस होंगे। जनरल अवेयरनेस होती है होंगे आपके 30 मार्क्स की और 30 इसमें आपके क्वेश्चंस होंगे। ओवरऑल आपका 100 टोटल हो जाता है दोनों का, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, इसकी बात यहाँ पर ख़त्म होती है। दो टायर में पेपर होगा, बाकी समझ में आपको आ ही गया। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आपको करनी होती है, पेपर को एनालाइज करने के बाद, पेपर का पैटर्न समझने के बाद, आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में पता करना। DRDO MTS आपका फर्स्ट टाइम कंडक्ट होने जा रहा है, तो ऑलरेडी ऑनलाइन इंटरनेट पर, यूट्यूब पर भी और अदर अदर वेबसाइट पर, ब्लॉग्स पर नकली पेपर्स को सेल भी किया जा रहा है। अदर अदर पेपर के क्वेश्चन पेपर्स को मिक्स करके और स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट भी किया जा रहा है इस वजह से। तो इस चीज़ को समझ लो कि DRDO MTS का पेपर अभी तक नहीं हुआ है, तो आप इसका पेपर एनालाइज कैसे करोगे। अब से पहले DRDO सेप्टेम काफ़ी बार हुआ है और ये जो आपका एग्ज़ाम है ये आपका जूनियर इंजीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कंडक्ट कराया जाता है और भी अदर पोस्ट होती हैं इसमें, ठीक है। तो आपको DRDO सेप्टेम का पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि वो एक ही डिपार्टमेंट है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आपके सेम ही आएंगे। और इसके लिए मैंने नीचे तीन वीडियो के लिंक डाले हैं यहाँ पे, ठीक है। इस वीडियो के नीचे आपको तीन वीडियो के लिंक मिलेंगे जो कि आपकी 2018 की वीडियोज़ हैं। मैं उनको दोबारा से न्यू इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि कुछ चीज़ें हमेशा रॉ अच्छी लगती हैं, रॉ मतलब जैसी वो है वैसी ही वो बेटर है। तो मैंने 2018 में DRDO सेप्टेम का एग्ज़ाम दिया था और मैंने एग्ज़ाम को देने के बाद उसके एनालिसिस वीडियो बनाई थी कि आपका पेपर किस तरीके का आया था और क्या पेपर था, क्या क्वेश्चंस थे, ठीक है। मैंने इस टाइप की वीडियोस बनाई थी, उसमें आपका पेपर 4 दिन में कंडक्ट हुआ था। मेरे चैनल पर शायद आपको 3 वीडियोस मिलेंगी, बाकी मैं चौथी वाली का देखता हूँ, कैसे अरेंज करता हूँ, अगर मेरे किसी फ्रेंड ने बनाई होगी या कुछ भी होगा, ठीक है। तो 3 वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर आपको जाकर पता चल जाएगा कि किस तरीके का आपका पेपर आया था, क्या टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आए थे, किस तरीके की डिफ़िकल्ट लेवल था और कितना ज़्यादा ईजी पेपर था, ठीक है। पेपर को आप देखोगे, मैं अभी यहाँ पर आपको बता दूँ तो पेपर आपका ये बहुत ज़्यादा ईजी आया था। मैंने DRDO का पेपर 1 नहीं 3 से 4 बार दिया है और ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं DRDO के, ठीक है। तो आपका पेपर वहाँ से आप देख सकते हो, एनालाइज़ कर सकते हो, जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको DRDO के एक्चुअल वाले प्रोवाइड करा दूंगा। बट अगर आपको कोई डायरेक्टली एक्चुअल फॉर्मेट में प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, पेपर पे लिखे हुए प्रोवाइड करा रहा है, तो हो सकता है वो सही है। बट अगर आपको कोई बोल रहा है कि यही क्वेश्चन पेपर था, यही आया था, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि DRDO कभी भी अपनी आंसर के रिलीज़ नहीं करता, DRDO कभी भी अपनी कट ऑफ रिलीज़ नहीं करता। DRDO सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट रिलीज़ करता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। थर्ड चीज़ आपको जो करनी होती है वो होती है पेपर को एनालाइज़ करने के बाद स्टैंडर्ड बुक्स कि कभी भी अगर आप किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करो तो आप हमेशा एक स्टैंडर्ड बुक यूज़ करो। अब बात आती है कि इस एग्ज़ाम के लिए आपकी स्टैंडर्ड बुक्स क्या होती हैं। मैथमेटिक्स के लिए आप यहाँ पे एम टायरा यूज़ कर सकते हो,
ठीक है, एम टायर आपके रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए बेस्ट होती है, और डीआरडीओ के एग्जाम्स के लिए भी वो बेस्ट होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स इतने मैथमेटिक्स का जो लेवल इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। रेलवे में हार्ड होता है, बट उसको समझने के लिए एम टायरा काफ़ी बहुत ज़्यादा काफ़ी है। और ठीक है, डीआरडीओ एमटीएस में उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जैसे एम टायरा में बताए गए हैं। ओके, और आरएस अग्रवाल आप अगर करते हो, आप एम टायरा उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती, जिनकी मैथमेटिक्स ज़ीरो है और इंग्लिश पढ़ने पर उनको समझ में आती है। ओके, तो एम टायरा वो यूज़ कर सकते हैं। जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी सही है, एवरेज है, वो आरएस अग्रवाल यूज़ कर सकते हैं। आरएस अग्रवाल इसलिए ताकि आपको फिर से किसी और अदर एग्ज़ाम के लिए मैथ की बुक पढ़नी ना पड़े। अगर आप आरएस अग्रवाल कंप्लीट कर लेते हो एक से दो बार, तो आप इतने कैपेबल हो कि आप कोई भी इंडिया का एग्ज़ाम क्रैक कर सको जहाँ पर मैथमेटिक्स आती है, और मैथमेटिक्स ही आपको हमेशा सेलेक्शन दिलाती है। ओके, तो ये तो हो गया आपका मैथमेटिक्स की बुक। सेकंड आता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग की अगर आपको बुक लेनी है तो आरएस अग्रवाल आती है रीजनिंग की, वो बेस्ट है आपकी। सेकंड अगर आप लेना चाहते हो तो बुक छोड़ो, आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन आपके अदर अदर लेक्चर्स, रीजनिंग की आप जितनी प्रैक्टिस करते हो उतनी ज़्यादा आपको आती है। और बात आती है अगर डीआरडीओ एमटीएस की, तो एसएससी जेईई एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, उसके ऑनलाइन बहुत सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। उसके रीजनिंग को प्रैक्टिस करते रहो, एक क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं, और उसी टाइप की रीजनिंग आपको डीआरडीओ में देखने के लिए मिलेगी। रीजनिंग की अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चौथा जो लिंक होगा वीडियो में नीचे, वो आपका प्लेलिस्ट का होगा, जहाँ पर आप डीआरडीओ एमटीएस की रीजनिंग कर सकते हो, और वो भी वो टॉपिक जो हर कोई नहीं करा था, लाइक कैलेंडर, डाइस, सिटिंग अरेंजमेंट, और भी बहुत सारे टॉपिक्स लाइक नंबर ऑफ काउंटिंग, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, इस टाइप के टॉपिक्स जो हर कोई नहीं करा था ईजी तरीके से, मैंने काफ़ी ईजी तरीके से उनको कराया है। अगर आपकी रीजनिंग जीरो है तो इन द एंड आप हीरो बन जाओगे रीजनिंग में। ठीक है, अब बात आती है थर्ड आपकी जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस के लिए आपके कौन से टॉपिक्स होंगे? जनरल अवेयरनेस के लिए अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और जनरल साइंस करनी है तो आप सिंपली ल्यूसेंट यूज़ कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, कल मैंने पोस्ट करी थी, तो उस वीडियो का आपका फिफ्थ लिंक होगा वीडियो के नीचे, इस वीडियो के नीचे फिफ्थ लिंक होगा। ठीक है, तो उस वीडियो के नीचे आपको 8 से 9 PDF के लिंक मिलेंगे, वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड कर लेना, वो आपके लिए मोर देन इनफ है। और फरवरी और मार्च की PDF भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको ये वीडियो अभी बोरिंग लग रही है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं इसको किसी भी तरीके से इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता, बट मैं आपको एक्चुअल में ये बता सकता हूँ कि आप एग्जाम के प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो हम आगे मूव करते हैं, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर देना मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है चूज़ प्लेटफॉर्म। चूज़ प्लेटफॉर्म का मतलब मेरा यहाँ पर इससे है कि आपको पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, जब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हो तो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, बट आज की डेट में सभी कोचिंग सेंटर आप कोई भी ज्वाइन कर लो, आपको टाइम पर सिलेबस खत्म नहीं करा पाएंगे, लटका के रखेंगे, टेक्निकल करा देंगे, नॉन टेक्निकल नहीं कराएंगे, मैथ्स करा देंगे तो जनरल अवेयरनेस नहीं होगी, ये सब आपका होता है। तो आपको खुद पर डिपेंड होना होगा इंस्टीड ऑफ कोचिंग सेंटर। ठीक है, और अब आपको ऑनलाइन कहाँ से पढ़ना होगा? ऑनलाइन में ये नहीं कह रहा आप मेरे चैनल से पढ़ो, आप बस अपना सब्जेक्ट देखो और आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो चैनल यूट्यूब पर आपको बेस्ट लगता है आप वहाँ से पढ़ो। और यूट्यूब आपको अच्छी नहीं लगती, डिस्टर्ब होता है एड्स की वजह से, तो आप अनअकैडमी को फॉलो कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये वीडियो अनअकैडमी ने स्पॉन्सर नहीं करी है, बता देता हूँ, अगर वो स्पॉन्सर करती तो मैं अनअकैडमी का लिंक देता भाई नीचे। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए आप MS मुस्तफ़ा का यूज़ कर सकते हो, जनरल अवेयरनेस बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, किसी को भी यूज़ कर सकते हो, और रीजनिंग भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, किसी को भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सही टीचर्स हैं वहाँ, तो किसी को भी फॉलो कर लेना वो काफ़ी है। ठीक है, ये तो हो गया आपका, प्लेटफॉर्म के बारे में डिसाइड कर लो। उसके बाद आता है हाउ टू स्टडी एंड लर्न एंड रिमेंबर। अब पढ़े कैसे, याद कैसे रहें, और लर्न कैसे करें, और हमेशा वो हम चीज़ हमको वो चीज़ याद कैसे रहे। स्टडी, पढ़ना कैसे है? जब भी आप पढ़ते हो तो अपने खुद के नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने से मेरा मतलब है कि एक अपनी कॉपी बनाओ या फिर A4 साइज शीट, जैसे मैं इस तरीके से यहाँ बता रहा हूँ, तो उसको बनाओ, अपने नोट्स को लिखो। जब तक आप किसी चीज़ को लिखोगे नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ वीडियोज़ देख कर मेरे दिमाग में याद रह जाएगा या सुनकर मेरे दिमाग में याद रह जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाई। अपने नोट्स बनाओ, फिर उनको एवरीडे रिवाइज़ करो। जब आप रिवाइज़ करोगे तो वो आपको लर्न हो जाएंगे। अब रिमेंबर, रिमेंबर का एक सिंपल फॉर्मूला ये है कि लाइक अगर आपने आज एक चीज़ पढ़ी तो कल आप उसको रिवाइज़ करो, फिर परसों भी आप उसको रिवाइज़ करो। ठीक है, 3 दिन आपको रिवाइज़ हो गए, फिर आप एक दिन का गैप लो और देखो कि फिफ्थ डे आप उसको रिमेंबर कर पा रहे हो या नहीं, या फिर जब भी आप वॉक करते हो या फिर खाली बैठे हो,
बात कर रहे हो किसी से या कुछ भी कर रहे हो तो दिमाग में उसको कहीं ना कहीं बार बार उसको याद करते रहो, रिवाइज करते रहो, उसके बारे में बोलते रहो या किसी को बताते रहो। इस तरीके से आप हमेशा, जब आपके दिमाग में प्रिपरेशन चलेगी और आपके दिमाग में कोई ना कोई टॉपिक चलेगा तो वो आपको हमेशा याद रहने लगेगा। और जब आप किसी को उसके बारे में बताओगे और आप कहीं पर अटकते हो तो आप उसको फिर से चेक करोगे, और जब उसको आप दोबारा चेक करोगे तो वो आपको भूलेगी नहीं कभी भी। ठीक है, जो चीज़ आप दूसरे को बता देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो। तो इस चीज़ को याद रखो, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव किस तरीके से? याद करो, रिवाइज करो, रिवाइज उस टाइम पे भी करो, अनएक्सपेक्टेड टाइम पे। सुबह सुबह उठे, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, चाय पी रहे हो, टीवी देख रहे हो, एकदम से दिमाग में आया कि अरे चलो एक बार रिवाइज करके देख लेता हूँ, क्या मुझे वो चीज़ अभी भी याद है, क्या मेरा दिमाग इतना शार्प है। तो हम यहाँ बात ज़्यादा नहीं करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, स्टडी भी, लर्न भी और रिमेंबर भी। अब बात आती है आपकी प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस उसी तरीके से कि दिमाग में बार बार चीज़ों को याद करो। हाउ मेनी आवर्स यू शुड स्टडी? अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, और हर एक वीडियो में मुझसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी। भाई कभी भी घंटे देख कर मत पढ़ो कि 5 घंटे 6 घंटे, यार क्या ही करोगे घंटे देख के। जब आप घंटे देख कर पढ़ते हो तो आप सिर्फ घंटे ही देखते हो, घंटे की तरफ देखते रहते हो, घड़ी को देखते रहते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको आज पढ़ना है, आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, जनरल अवेयरनेस पढ़नी है, वट एवर यू वॉन्ट्स टू स्टडी, ठीक है, जो भी आपको इनमें से कुछ भी पढ़ना है, तो आप सिर्फ आज के लिए टॉपिक चूज़ करो। एक टॉपिक इसका, एक टॉपिक इसका, एक टॉपिक इसका, या फिर इन तीनों में से कोई भी एक टॉपिक, ठीक है, जो आपको आज खत्म करना है। बस आज का आपका टारगेट ये है कि मुझे ये टॉपिक खत्म करना है। अब इसको करने में चाहे आपको 1 घंटे लगे या 5 घंटे लगे, बस जिस दिन आप इस तरीके से पढ़ोगे उस दिन से आपके सिलेबस के टॉपिक्स कम होने लगेंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा। ओके, तो इस चीज़ को ऐसे करो, कोई घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता। जितने भी टॉपर्स होते हैं या फिर जो भी एग्जाम क्रैक करता है वो कभी भी घंटे देखकर नहीं पढ़ता मेरे भाई, मैंने भी कभी नहीं पढ़ा। बेस्ट बुक फॉर DRDO MTS, DRDO MTS के लिए बेस्ट बुक कौन सी है? ठीक है, बहुत सारे बोल रहे हैं, बहुत सारे स्पॉन्सर्ड वीडियोस हैं यूट्यूब पर जो कि अलग अलग पब्लिकेशन की सिर्फ एक सिंगल बुक बता दे रहे हैं कि ये बेस्ट बुक है, ये बेस्ट बुक है। भाई घंटा बेस्ट बुक है वो, कुछ नहीं होगा। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए एक सिंगल बुक काफ़ी नहीं होती, उसके लिए आपको हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स यूज़ करनी होंगे। स्टैंडर्ड बुक्स मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है। कैन अ सिंगल बुक हेल्प यू क्रैक एग्जाम्स? ठीक है, इंडिया में 2-3 पब्लिकेशन है जो गर्ल्स के नाम पर पब्लिकेशन है। मैं किसी को डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा और मैं किसी का डायरेक्टली नाम भी यहाँ पर नहीं ले सकता, बट आप इस चीज़ को समझो कि वो बुक्स वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम है। वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम तो चल जाएगा, बट उसमें लॉस किसका हुआ? आपका हुआ। आपने इतने टाइम प्रिपरेशन करी, आपने उस बुक को रटा, बट आया क्या उसमें से? आपके 25% मार्क्स भी नहीं आएंगे भाई उस बुक को करके। तो थोड़ा सा ग्रो अप हो जाओ। उसमें आपके 3 से 4 सब्जेक्ट एक बुक में 200 रुपये की बुक में घुसाए हुए हैं। इज इट पॉसिबल? सीरियसली नहीं हो सकता यार। 2 पेज में एक एक टॉपिक खत्म करा हुआ है यार, नहीं होता वो, तो मत करना। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मॉक टेस्ट। अब बात आती है कि मॉक टेस्ट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं और हमको उनको प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए। ठीक है, DRDO के लिए मैंने काफ़ी देखे बट मुझे कोई अच्छा तो नहीं लगा, बट जो भी आपको मिल रहा है फ्री में मिल रहा है, जहाँ से मिल रहा है, प्रैक्टिस ज़रूर करना मॉक टेस्ट के बारे में, कि मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। भाई मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि एग्जाम में एक चीज़ होती है टाइम लिमिट। DRDO MTS में आपको 90 मिनट्स मिलेंगी। ओके, 90 मिनट्स मिलेंगी आपको कितना करने के लिए? 100 क्वेश्चन। CHSL में पता है 60 मिनट मिलती हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए, तो DRDO में तो आपको जब भी ज़्यादा मिल रही हैं, तो ये आप खुश हो जाओ और बहुत ईजिली आप 100 क्वेश्चन कर लोगे 90 मिनट्स में। बट जब भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि इसमें आपके 35 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के हैं, 35 आपके रीजनिंग के हैं और 30 आपके जनरल अवेयरनेस के हैं। 30 क्वेश्चन को आप 10 मिनट में, 10 मिनट भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 30 मिनट को आप 10 मिनट में कर लोगे। बाकी आपको 80 मिनट जो मिलते हैं ये 70 क्वेश्चन करने के लिए मिलती हैं। इसमें से रीजनिंग में भी, रीजनिंग के भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो एवरीडे, मॉक टेस्ट करते हो, तो आप 20 मिनट में 35 या 25 मिनट में 35 क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। बाकी टाइम आपका जो बचा वो मैथमेटिक्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो जब आप मॉक टेस्ट करते हो तो आपको एक चीज़ करनी है हमेशा, ये नहीं कि आप मॉक टेस्ट लेके बैठ गए 3 घंटे में एक मॉक टेस्ट कर रहे हो 100 क्वेश्चन का सिंपल आराम से बैठ के, नहीं, आपको खुद से एक टाइम लिमिट सेट करनी है, फ़ोन में टाइमर लगाना है, 90 मिनट्स लगानी है, और तब आपको उस मॉक टेस्ट को करने के लिए बैठना है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, कभी आप रीजनिंग पहले करके देखो, कभी आप मैथमेटिक्स पहले करके देखो कि क्या चीज़ को पहले करने पे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है। ओके, इस तरीके से करो। और आपको ये भी नहीं, ये चीज़ एक चीज़ और करनी है, इसमें तो आपकी नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आप कर सकते हो, बट अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपको उसको टिक नहीं लगा देना है, आपको उसको छोड़ देना है। जब आप अपनी प्रैक्टिस में ऐसे करोगे तो आपको ये चीज़ भी पता चलेगी कि आप किस, आपको क्या टॉपिक नहीं आता, किस टॉपिक को आने के बावजूद आपसे गलती हो रही है।
ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे को ये टॉपिक फिर से पढ़ना है और इसको रिवाइज़ करना है और इसको और अच्छे से करना है, क्योंकि अभी मेरा ये वाला टॉपिक काफ़ी अच्छे से नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप मॉक टेस्ट करके खुद को एनालाइज़ कर सकते हो, खुद के बारे में जान सकते हो, खुद के नॉलेज के बारे में जान सकते हो, और ये भी पता लगेगा आपको कि आप अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, ओके, और आपको कितना अपना टाइम इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट में इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी मैं DRDO MTS में जो चीज़ आपको सिलेक्शन दिलाएगी वो आपकी सिर्फ़ और सिर्फ मैथमेटिक्स है, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स में 35 में से 35 स्कोर कर लेते हो और रीजनिंग में भी 35 में से 35 स्कोर कर ले तो कर लेते हो तो जनरल अवेयरनेस की ज़रूरत कम ही पड़ेगी आपको। अगर जनरल अवेयरनेस में थोड़े मार्क्स कम रह जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। तो इस तरीके से करते हैं किसी एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या फिर DRDO MTS की प्रिपरेशन। मेरे को पता है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। मुझे पता है आप में से बहुत सारे थैंक यू बोलना चाहते होगे, तो थैंक यू की जगह थैंक यू टाइप कर रहे हो, थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम माई ब्रदर। बट यार प्लीज़ एक बंदे के साथ कम से कम शेयर कर दो। मैं आप सभी के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, वीडियोज़ की जो मोटिवेशन मुझे मिलती है वो लाइक और शेयर से मिलती है। जितने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं मेरा उतना ज़्यादा मन करता है आप सभी के लिए वीडियोज़ को बनाऊँ, ठीक है। तो कम से कम एक ग्रुप में तो शेयर कर ही दो, ठीक है। सो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय गाइस।